का स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हरियाणा होमगार्ड रिक्रूटमेंट की, जिसमें 2109 वैकेंसी निकली है, एक बम्पर भर्ती निकली है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको मैं एज क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। साथ ही में मेरा फेसबुक पेज है जिसका नाम सरकार ज्ञान, उसको भी लाइक करें और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए। इसकी बात करते हैं हरियाणा होमगार्ड की भर्ती की, जो कि 2109 की भर्ती है, आप दे सकते हैं, जो कि इसके अब लेटेस्ट भर्ती आने वाली है, जो कि अपडेट आपको फॉरम जल्दी आपको वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसकी अपडेट आपको सिर्फ आपकी जिसकी सूचना आई है कि इसकी जल्दी वैकेंसी भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो उसके हरियाणा होम हरियाणा government.in पर आप जाके दे सकते हैं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस की गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी है। होम गार्ड की वैकेंसी 2109 वैकेंसी है, हरियाणा गवर्नमेंट की वैकेंसी है, पोस्ट जॉब लोकेशन हरियाणा रहेगी। इसकी स्टार्टिंग डेट अभी आई नहीं है, लास्ट डेट अभी बतानी है, ठीक है। तो उसकी जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। हम बात कर लेते हैं हरियाणा गवर्नमेंट वैकेंसी डिटेल की, आप ये दे सकते हैं गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, आपके पंचकुला में, तो अम्बाला में, करनाल में, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहेगी। लगभग पूरे हरियाणा में वैकेंसी है हमारी। यहाँ पे आप दे सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते, जो कि हमारे कौन कौन कैंडिडेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं और 12वीं क्लास वाले रिकॉग्नाइज्ड जो उस बोर्ड से पास हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड की आपकी जो एज लिमिट की बात करें, 18 से 42 साल रहेगी, ठीक है। एज रिलेक्शन भी आपको रहेगा, जो कि नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार रहेगा। इसके आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन एग्जाम रहेगा, फिजिकल टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अभी इसकी फीस की अभी कोई डिटेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे अप्लाई के लिए आप आवेदन लिंक एक्टिविटी हुआ है। तो ये थी कुछ डिटेल जो कि मैंने आपके साथ साझा करी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं ऐसी वैकेंसियों के डिटेल जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे फेसबुक पेज सरकारी तैयारी को भी लाइक करें। थैंक यू।